गाइस मलखम जो मैंने आपको अभी जो है यहाँ हैंडबॉल क्रॉस करते हो गाइस, यहाँ पे भी प्रैक्टिस चल रही है, समर कैंप चल रहे हैं तो उन्हीं की प्रैक्टिस चल रही है सभी स्विमिंग पूल में, तो देख सकते हो आप यहाँ पे। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज का ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है हमारा अम्बा देवी मंदिर से, SCPM से। सो आज के ब्लॉग में आपको SCPM के बारे में कुछ बताऊँगा और SCPM दिखाऊँगा। सो पूरा ब्लॉग पूरा देखना क्योंकि हर एक चीज़ मैं बताने वाला हूँ आज आपको SCPM की। सो क्या क्या होता है, क्या क्या एक्टिविटीज़ होती हैं यहाँ पे और कैसा है अंदर SCPM। सो इस ब्लॉग की काफ़ी ज़्यादा डिमांड थी, सो इसलिए मैंने सोचा क्योंकि बना लेते हैं, आए हुए हैं तो बना ही लेते हैं। सो अभी जो है हम चलते हैं अंदर और आपको दिखाते हैं। सो ये रहा आपका अम्बा देवी मंदिर जो बिल्कुल एकदम अपने SCPM के गेट के पास ही है, और ये SCPM का गेट, यहाँ से पूरा एंट्रेंस जो यहाँ से स्टार्ट हो जाता है SCPM। सो इसके साथ ही जो है अपना अम्मा देवी मंदिर। तो गाइस चलते हैं अंदर अब SCPM के और आपको दिखाते हैं SCPM अंदर से, गेट क्रॉस करते हैं। सो चलो ये जो आपको बिल्डिंग दिख रही है ये सबसे पुरानी बिल्डिंग है SCPM की जब स्टार्ट हुआ था। सो बाकी यहाँ पे सारा कैश काउंटर, एग्जामिनेशन सेंटर और बड़े जो यहाँ के मेन इंचार्ज हैं सारे यहाँ बैठते हैं। और ये साइड पे जो है आपको दिख रहा है ये मलखम अरिना है, यहाँ पे अभी मलखम वाले बच्चे आ गए हैं। रही गाइस मलखम जो मैंने आपको पहले बताई थी, अभी देखो सारी प्रैक्टिस चल रही है। कर रहे हैं तो करेंगे प्रैक्टिस। सो अभी जो है यहाँ से हम आगे चलते हैं। सो गाइस ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पे शूटिंग जो है अकेडमी है यहाँ पे SCPM की। सो ये अंदर सारे जो है शूटिंग प्रैक्टिस अभी चल रही है सबकी। ये जो है अपनी लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी को क्रॉस करते ही इस साइड हमारे जो है हॉस्टल स्टार्ट हो जाते हैं। सो ये जो आपको आगे बिल्डिंग्स दिख रही हैं सारी ये वाले, ये सारे हॉस्टल्स हैं, ठीक है। सो ये जो है फर्स्ट वाले हॉस्टल, और वो ये खो खो का अरेना आगे यहाँ पे खो खो का ग्राउंड, और वो जो आपको सामने दिख रही है वो है SCPM की मेन बिल्डिंग जहाँ पे थ्योरी क्लासेस वगैरह, और उसके नीचे भी एक लाइब्रेरी है। सो दो लाइब्रेरी हैं इस कॉलेज में, और बाकी जो है यहाँ पे पार्किंग है, और इसके साथ ही इसके आगे ही हमारे बास्केटबॉल के कोर्ट हैं। तो गाइस ये जो आपको दिख रहा है ये अपना बास्केटबॉल, यहाँ पर अभी शाम को फाइनल होने वाला है एक टूर्नामेंट, यहाँ पर नागालैंड वालों ने ऑर्गेनाइज़ करवाया था, नागालैंड स्टेट। तो सो वहीं का जो है अभी यहाँ पर जो है फाइनल होने वाला है आपका बास्केटबॉल कोर्ट सारा, यहाँ पे तीन कोर्ट है। सो बच्चे वगैरह प्रैक्टिस भी करते हैं और कोचेज साथ में रहते हैं, जैसे आप देख सकते हो वहाँ पे क्लासेस दी जा रही हैं। जैसे बास्केटबॉल कोर्ट क्रॉस करते हो तो आपको यहाँ पे साइड पे जो ये आपको बिल्डिंग दिख रही है, ये जो इंडोर दिख रहा है यहाँ पे पूरी जिमनास्टिक चलती है बच्चों की। सो सर जो हैं वो कोचिंग देते हैं, सो अंदर जाके आपको दिखाते हैं हम जिमनास्टिक। वो देख सकते हो आप यहाँ पर बच्चे पूरी प्रैक्टिस कर रहे हैं। सो अभी सर नहीं है यहाँ पर, नहीं तो सर से मिलाता आपको, उनसे थोड़ी अच्छी बनती है मेरी। तो ये देखो यहाँ पे रोमन रिंग। तो गाइस अभी जो है हम आपको अपने मलखम का जिमनास्टिक का हॉल बता के अभी हम जा रहे हैं आगे। सो आगे जो है अपनी कैंटीन आ जाती है, कैंटीन के साइड पे हम जाएंगे, अभी स्विमिंग पूल भी दिखाएंगे आपको। इसे जो आपको दिख रही है यह यहाँ पर की कैंटीन, स्टूडेंट कैंटीन, और यहाँ से आगे जो है स्विमिंग पूल है, तो स्विमिंग पूल वाली साइड जा रहे हैं। सो अभी जो है स्विमिंग पूल वाली साइड जाते हैं और आपको स्विमिंग पूल दिखाते हैं कैसा है। सो एक्चुअली SCPM बहुत बड़ा है यार, अगर इस पर अगर मैं पूरे ब्लॉग बनाऊंगा तो कम से कम भी आधे से एक घंटे का ब्लॉग बनेगा, इतना लंबा है अगर मैं पूरी डिटेल वाइज बनाऊंगा। सो मैं अभी जो आपको मेन मेन चीज़ें ही बता रहा हूं। सो अभी जो हम जा रहे हैं मैं अपने स्विमिंग पूल की तरफ, और योगा डिपार्टमेंट है उसके साथ स्विमिंग पूल है। सो अभी जो हम आपको स्विमिंग पूल बताते हैं, और स्विमिंग पूल यहाँ पर दो तीन स्विमिंग पूल हैं, अभी देखो आप आगे। गाइस ये रहा अपना स्विमिंग पूल, और ये योगा डिपार्टमेंट इस साइड, और इसी के साथ है अपना स्विमिंग पूल। सो अभी जो आपको स्विमिंग पूल दिखाते हैं अंदर जाके। तो गाइस यहाँ पे भी प्रैक्टिस चल रही है, समर कैंप चल रहे हैं तो उन्हीं की प्रैक्टिस चल रही है, सभी स्विमिंग पूल में प्रैक्टिस कर रहे हैं, देख सकते हो आप यहाँ पे। यहाँ पे जो एडवांस है वो है, और जो पीछे वाला स्विमिंग पूल है उसमें जो है जो अभी बेसिक हैं जो वो कर रहे हैं। सो ये यहाँ का स्विमिंग पूल, काफ़ी अच्छी फैसिलिटीज़ हैं यहाँ इस कॉलेज में। सो देख लिया आपने स्विमिंग पूल यहाँ का, सो ये है यहाँ का स्विमिंग पूल। सो जो है काफ़ी अच्छी यहाँ पे प्रैक्टिस चलती है, कोर्सेज भी चलते हैं, आप आके कभी भी यहाँ पे कोर्स वगैरह कर सकते हो, ठीक है। सो बाकी जो है अभी हम निकलते हैं यहाँ से,
क्योंकि बाकी जगह भी कवर करनी है। सो अभी यहाँ से हम क्रॉस होंगे कैंटीन, जिस रास्ते से हम आएँ कैंटीन वाले से, वहाँ से क्रॉस होकर आगे हम आपको एक्चुअली वॉलीबॉल की ओपनिंग भी हो रही है, ओपनिंग सेरेमनी, सो उसके साथ फुटबॉल का ग्राउंड भी और उसके साथ एक हॉकी और हैंडबॉल का भी है। सो अभी जो है वो हम कवर करते हैं आगे। हम आ चुके हैं वापस स्विमिंग पूल से, तो अभी जो हम आगे जा रहे हैं, आगे जो है फुटबॉल ग्राउंड वगैरह आपको दिखाते हैं। सो मैं कवर करूँगा इस ब्लॉग में जितना भी हो सका मेरे से। और इसके साइड पर जो है गज होस्टर है और उधर परमिशन नहीं है लड़कों को जाने की, सो इसलिए हम जो है यहीं से जाते हैं। मैं रास्ते से वहाँ खाली गर्ल जा सकती हैं जो उस साइड जो आपको रास्ता दिख रहा है, ये वाला जितना भी है ये सारा गर्ल्स हॉस्टल है उस साइड। सो बाकी ये जो है हैंडबॉल एरिना आ गया अपना, और बाकी आगे देखते हैं। अभी जो है यहाँ हैंडबॉल क्रॉस करते ही आप आ जाते हो फुटबॉल ग्राउंड पे। सो ये रहा फुटबॉल ग्राउंड पूरा आपका, और जितना भी है ये सारा फुटबॉल ग्राउंड ही है। सो इसके इस साइड अपोनेंट वाली साइड अपना आ जाता है हॉकी का ग्राउंड और ट्रैक। सो इस ट्रैक के पीछे जो है अपना हॉस्टल है, बॉयज़ हॉस्टल। ये जो है अपना ट्रैक आ गया, चप्पल बता रहा हूँ। और ये जो है आपको सामने जो दिख रहा है यहाँ पे स्टेज के नीचे अपना सेकेंड ईयर बीपी सेकेंड ईयर का हॉस्टल है, और यहाँ पे मेन असेंबली होती है सुबह। सो अभी जो है देखो सारे प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो कुछ क्रिकेट सब, मतलब ऑल ओवर यहाँ पर जो है प्रैक्टिस चलती ही रहती है, जैसा कि आपने फुटबॉल ग्राउंड में भी देखा। सो गाइज हेलो, सो गाइज आज का व्लॉग जो है हम यहीं पे एंड करते हैं इसी ट्रैक पे, क्योंकि व्लॉग लंबा हो जाता है। सो आप अगर इसके आगे वाला जो है पार्ट मैं डालूंगा सेकंड पार्ट, सो सेकंड पार्ट आपको आ जाएगा 2-3 दिन में। सो अभी जो है आप इंजॉय करो ये व्लॉग, और मिलते हैं आपको अगले व्लॉग में, और अगला व्लॉग होगा इसका सेकेंड पार्ट। सो सेकेंड पार्ट में भी काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं, सो जैसे वॉलीबॉल का मैच टूर्नामेंट चल रहा है वो दिखाना है, और बाकी भी बड़ा कुछ है। सो मिलते हैं आपको अगले व्लॉग में। गुड बाय।